रोक्सी पास हट जा, तुम्हारे जगह ज्यादा देर ऐसा पड़ा रहा। रोक्सी की तरह बोकल लगा, बट वाइस की डेथ होगी शायद। अरे वाह, झटके मारे। देखते हैं भाई शुरू में कौन करेगा गड़बड़। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल टिकडॉक चैनल। और गाइस, रोक्सी आज पप्पीज देने वाली है ऐसा लग रहा है, क्योंकि भाई पूरी रात रोई हुआ। अब भी भाई आका गेट बंद करके कमरे में बंद करिया, वरना भाई दर दर घुस रही। ओ तेरी तो दर को निकल के भाग गई रोक्सी। ले बस बस बांध दिए एक बार, तू ही बांध सके रोक्सी। ले 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 जल्दी बांध, जल्दी बांध। बस भाई एक बार ये बंद जा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आ जा बस यहाँ बैठ जा आराम से। तो गाइस अभी फिलहाल के लिए तो इस वाले कमरे में कर दिया, वरना भाई बार बार लकड़ियों के पीछे जा रही थी, क्या पता चोट वोट लगवा ला। ना भाई से ना रात खाना खाया, ना सुबह खाना खाया, पूरी रात चिल्लाई। सिम्बा को देखो, इसी के पास आकर बैठ गया। सिम्बा बाहर चला जा, बुढ़का भर लेगी तेरे। रोक्सी को अंदर करके गेट बंद कर दिया। देखना भाई पूरी तरह से चिल्लाने लग रही है। हाँ रोक्सी बाहर आओगी, जंगला तोड़ आ जा। अभी रोक्सी को बाहर ही निकाल लिया, देखते हैं भाई कहाँ जाकर बैठे हैं। लग गई भाई गड्ढा खुदा। या तो बेचारी कुछ ज्यादा परेशान हो रही, क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम बच्चे दे रही ना। बस भाई ठीक ठाक पप्पीज दे दें, कुछ दिक्कत ना हो तो और अच्छा। जाली भाई फिर से कमरे के अंदर जाली। यहाँ पे भाई लकड़ी वकड़ी लगा दी, वरना भाई चोट लगवा लेगी, उसके अंदर झुक के बैठ जा। हाँ रोक्सी यही बैठ जा आराम से। बस इन सबको देखो कैसे घूम रहे मेरे पीछे पीछे। तो गाइस अब एक बार ना खाना वाना खिलाता हूँ। लो भाई रोक्सी भी आ गई यहाँ पे, रोक्सी ने तो यहाँ पे गड्ढा खोद रखा। तो गाइस अभी फिलहाल से इसके हाल पे छोड़ता हूँ, थोड़ी बहुत देर बाद देखूंगा क्या करना। रोक्सी यही बैठी रही, इतना मैं खाना देऊँ, कहीं छुप मत जाइए। और गाइस खाने को देख कर देखो भाई सारे सारे कैसे बैठ गए लाइन में। एक तो ये बैठा हमारा छोटा पैकेट, ये रहा हमारा सिम्बा रोक, और गाइस ये लेट लगा रहा चिंटू डोन। और गाइस रोक्सी का तो पता नहीं खाना खाओगी भी या फिर नहीं। सुबह थोड़ी सी दही रखकर देखी थी उसे। चिंटू को देखो भाई कैसे डांस कर रहा। और गाइस खाना रोक्सी को देना रहा, आ रहे मेरे पीछे इतने सारे। रोक्सी ने लकड़ी वकड़ी सब हटा दी, इसके अंदर ही छुप गई। ले रोक्सी आजा, आजा बाहर आजा, आजा। नहीं पता नहीं भाई से ऐसी जगह क्यों पसंद आई, कोको बुला कर ला जाओ। भाई साहब एक काम करता हूँ, वहां से लकड़ी वकड़ी हटाता हूँ, और गाइस रोक्सी को बाहर निकाल लूंगा, क्योंकि भाई दो मिनट ही खड़ा हुआ था मैं तो यहाँ पर, गर्मी में परेशान हो गया, उसकी तो बैंडी बज रही होगी। रोक्सी ने पप्पीज दे दिए, अंदर से पप्पीज के रोने की आवाज आ रही। गाइस इसका पप्पी सामने पड़ा, और गाइस हाथ लगाने नहीं दे रही, हाथ लगाए बिना मर जाएगा। रोक्सी हट जा, रोक्सी पास हट जा, ये तो मर जगह ज्यादा देर ऐसा पड़ा रहा तो एकदम से उठाना पड़ेगा, अटैक कर देगी ना तो। चल चल रोक्सी पास, नहीं नहीं नहीं। तो गाइस अभी रोक्सी को यहाँ पर कमरे में बैठा लिया अंदर, क्योंकि भाई वाले पप्पी की हालत थोड़ी सी डाउन होगी। रोक्सी का जुगाड़ यहाँ पर कर दिया, और गाइस यहाँ पे इसका पट्टा हिला दिया, जिससे की जगह उठाना हो इसे तो गाइस यहाँ से पकड़ लूंगा, और गाइस पीछे खींच लूंगा रस्से को, समझ रहे हो। क्योंकि भाई अभी तो थोड़ी सी शांत है, बट भाई पप्पीस देने के बाद एग्रेसिव हो जाया, शायद भाई पप्पीस देने वाली है। अगर भाई ने अपने पप्पी का हाथ लगा दिया, फिर भाई अच्छे से रुई हुई से साफ कर लेंगे। पंखे की बिल्कुल डायरेक्ट हवा लगने दे रहे हम, इसका क्या पता दिक्कत हो जाए। और गाइस ये वाला पप्पी तो कुछ ज्यादा डाउन से हो रहा, तो गाइस अभी सोच रहा केज को लेकर आता हूँ नीचे, जितने पप्पीस होते रहेंगे केज के अंदर कर देंगे, बाद में फिर रोक्सी के पास छोड़ देंगे। ओ यार इन जल्दी आ जल्दी आ। और गाइस भगत को इसलिए बुलाना पड़ रहा, क्योंकि भाई मुझे भरोसा नहीं है रोक्सी पे, कब अटैक कर दे मेरे ऊपर। क्या बोला तूने? रुई लेगा जल्दी, रुई लेगा। बस एक बार भाई चिल्लाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई चिल्लाना जरूरी है। ओ चिल्ला दे, चिल्ला दे, चिल्ला दे, चिल्ला दे, चिल्ला दिया। कांग्रेचुलेशन। अरे रोक्सी की तरह ते बोकल लगा रोक्सी, कांग्रेचुलेशन। बस भाई सारे के सारे पप्पीज ठीक ठाक देता है तो और अच्छा, क्योंकि भाई अभी और पप्पीस देगी। भाई रोक्सी चाट लेते देखते रहे बच्चा है, अब तो भाई जीभ लगाने लग रही, वरना भाई वैसे नहीं जीभ लगाती है, क्योंकि अगर भाई मैं रोक्सी के भरोसे छोड़ देता ना, क्या पता भाई ने पप्पीस की डेथ हो जाती। तो गाइस अभी एक और पप्पी आ गया, और गाइस ये वाला भी सेफ है, इसने भी चिल्ला दिया। और गाइस टोटल थ्री पप्पीस हो गए, दो मेल है एक फीमेल है। तो गाइस अभी एक और पप्पी आ गया, वैसे भाई पप्पीस तो पूरे क्यूट क्यूट से है, ये देखना भाई। और गाइस ये वाला पप्पी बिल्कुल सेफ है, अब चिल्ला दिया था इसने। रोक्सी अब आ गया उससे मांगी, अब ना भाई मुझे पास जाने दे रही, तुरंत घूर दे रोक्सी। बस बस बस। तो गाइस अभी एक काम करता हूँ, ऊपर से केज लेकर आता हूँ पप्पीस को, केज के अंदर बंद करूंगा, क्योंकि भाई रोक्सी के नीचे गंदा हो गया। थोड़ी देर के लिए ना सब व्यू केज के अंदर कर दिया, और पता नहीं भाई रोक्सी पप्पीस देगी या फिर नहीं, देखते हैं भाई, चलो इंतजार करते हैं। रोक्सी वहां से उठ के यहाँ पर आ गई, और गाइस शायद पप्पी आने वाला एक और, बट भाई इसकी डेथ होगी शायद, क्योंकि भाई काफी देर से मैं सारा घट रहा, बट भाई सांस नहीं ले रहा। और भाई ट्राई करते हैं, देखता हूँ भाई क्या पता बच जा। अरे वही सांस लिया, सांस लिया, लगा सांस लिया। बस एक बार चिल्ला चिल्ला दे, तू चिल्लाना तो दूर की बात है, तो सांस मिल ले रहा बेचारा, ले रहा सांस, ले रहा ले रहा। हाँ चिल्ला दे बस एक बार, चिज्जी खुआओगे फिर, तो चिज्जी खुआओगे, दूध पियाओगे, रॉयल कैन की पेड़ खिलाओगे। बस एक बार चिल्ला दे तू, लवी से ये लग रहा। उम्मीद तो है उम्मीद, बस तो फिर तो बच ही जाएगा। किल की मार जल्दी, जादू तो बिल्कुल मरा हुआ पप्पी जिंदा हो गया। और गाइस इसे रगड़ते रगड़ते मैं पूरा पसीना पसीना हो गया, बट भाई ये है कि मैंने तो रंग लाई। तो गाइस अब एक बार इसका सुन डोर काट दू, पहले भाई रील का धागा बांध लिया, और गाइस फिर ब्लेड से काट दूंगा। और गाइस इसके लिए एक लाइक तो बने, अगर भाई बचेगा लाइक कर दो, लोगो लाइक कर दो, कहिए जल्दी लोगो लाइक कर दो, कहिए। अरे वाह कह दिया,
छोटा बेटे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ओह माय गॉड। तो भाई सब इस वाले पप्पी को रोक्सी के पास छोड़ दिया। रोक्सी कट दी गए। चलो भाई वो तो शुक्र है कटा नहीं। अब भाई से अपने पप्पीज दे लिए ना तो भाई अग्रेसिव होगी। इसने तो मेरा हाथ पकड़ लिया होता। और भाई सब भी मेरा काटने की नहीं। मुझे भाई पता चलेगा या बार बार धमका वैसी काटती नहीं, क्योंकि भाई तीन चार बार कर लिया इसने मेरे साथ ऐसे ऐसे। अब तो भाई आदत होगी। अभी एक काम करता हूँ, इसके बाकी पप्पीज भी इसके पास ही छोड़ता हूँ। आओ भाई नन्दे मुन्नो। अब तक भाई मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। अब भाई चलेगा कुछ खाता पीता हूँ। सुबह से इसके चक्कर में लगा पड़ा। और भाई कमर की भी बैंड बजगी। सुबह से एक जगह पे बैठा ना, बट भाई ये सब करना पड़े जब भाई घर में छोटे छोटे पप्पीज हो गए। और भाई यहाँ पे हमारा छोटे वाला पप्पी सिम्बा के साथ मस्ती कर रहा। देखना भाई कैसे इसकी गर्दन पर बैठा। A few inches later. तो भाई सभी ना भी लिया और गाइस खा भी लिया। चल का भाई पप्पीस देखता हूँ क्या कंडीशन है पप्पीस की। और गाइस ये वाला था वो पप्पी जिसकी भाई हालत सी खराब हो रही थी। देखता हूँ भाई ठीक ठाक है क्या। हाँ रोक्सी हाथ लगा लो तेरे पप्पी के। ओ भाई इसी के पिल्ले के ऊपर पैर रख दिया। रोक्सी ले देख उस साइड को देख। ये देख देखो क्या पड़ा। ये बस उठा लिया। देखते हैं भाई क्या कंडीशन है इसकी। वैसे भाई ये वाला पप्पी अब तक तो ठीक है, बट भाई दूध नहीं पी रहा बिल्कुल भी। और गाइस सब लोग दुआ कर रहे हैं इसके नाम की, ये बेचारा बच जा। बस भाई दूध और पीने लगा फिर तो भाई बच जाएगा। तो गाइस पप्पी को वापस रख दिया। और गाइस थोड़ा लग ही रखा इससे, क्योंकि भाई फिर रोक्सी पैर वैर मारते हैं इसके। अब भाई ऊपर चलता हूं, ऊपर चलकर रेड किंग से मिलता हूं। तो गाइस ये घूम रहा अपना रेड किंग चीता। और गाइस आज का फिर से प्लान कैंसिल करना पड़ता दिख है। कल भाई मैं ये कह रहा था ना कि रोको रेड किंग को एक साथ लेकर चलेंगे, बट भाई आज फिर से प्लान कैंसिल करना पड़ेगा रोक्सी की वजह से, क्योंकि भाई आज घर पर रहना जरूरी है। रोक्सी के पप्पीज का ध्यान रखना पड़ेगा बीच बीच में, समझ रहे हो। और गाइस स्पेशली उस वाले पप्पी का ध्यान रखना पड़ेगा जो कमजोर से है। तो गाइस अभी छोटे पप्पी ग्रिप लगवाता हूं। ग्रिप देखना भाई कैसे लगा हुआ है वो छोटा पैकेट। और गाइस घू घू की आवाज सुनो इसकी। ओ भाई छोटा पैकेट बड़ा धमाका है तो सच में। अरे वाह झटके मारे शाबाश बेटा। झटके मारता मारता नीचे ना गिर जाइए। और गाइस सारे दिन ग्रिप लगाए जावे ऊपर दे वर दे में जहां जहां कपड़े वपड़े दिखे सब जगह ग्रिप लगा ले। और गाइस अब ये पूरे करंट में आ गया। आग की छेड़िए देखे की परेशान। देखना भाई अब कैसा करेगा टूट के पड़ने वाला। ओए ओए बुड़क भर लिया उसका। हां के है बता। देखना भाई ओ भाई रैपट रैपट खेल रहा है। आजा आजा आजा। अब तो भाई सिम्बा ही संभाल सके। अले भाई सिम्बा खेल इसके साथ। लो भाई रोक भी आ गया। रोको घूमिकरण से लगा। और गाइस रोका घूमने का टाइम हो गया। तुरंत भाग गया जिन्ने में रहा नहीं जाता। यहाँ पे इसके सिम्बा के साथ कुट बज रहे। सिम्बा के बुड़के भर रहा भाग भाग से। और गाइस बिल्कुल छोटा सा है देख लो सिम्बा के पूरे फेस के जितना है, बट भाई पूरे सिम्बा को हिलाता जब बुड़के भरने पावे। लो भाई रोक फिर से आ गया। रोक नू कह रहा बार बार नीचे चल। रोको तो एक काम कर इतना रेड किंग के पास बैठ जा। आजा यहाँ बैठ जा। नहीं तो गाइस आ लिया अपना रोकू। ओए रोकू इस बार ना भाग जाइए। रुक जा यहाँ बैठ। बस यहीं बैठ जा रेड किंग के पास थोड़ी देर। और गाइस सिम्बा साइड जाने की कोशिश कर रहा। सिम्बा दोबारा से पैर तो डॉब होगा अपने। कल तो भाई भाई साइड कूद भी गया था बंदर आ रहे थे। यो बंदर थोड़ा पीछे भाग गया। लो भाई से तो ईंट भी गिर दी। हमारे घर में भाई दो ये शैतान, एक तो कोको होगी। कोको का तो खैर कहना ही क्या। और गाइस दूसरा हो गया हमारा सिम्बा। इसके अंदर अभी बचपना हो गया ना, छह सात मंथ का ही हुआ। तो गाइस अभी शिवम भी आ गया। हाथ तेनू कह रहा रोको रेड किंग को लेकर चल, बट भाई ले जा नहीं सकता आज फिर। रोक्सी ने पिल्ले तो दे दिए, यहाँ ना दे रखे वहां दे रखे अंदर। रोक्सी पैर पकड़ लिया इसका। अभी तो इसकी कंडीशन ठीक है, बस भाई एक बार दूध और पी ले फिर भाई ये है कि सेफ हो जाएगा। तो गाइस आगे रोको लेके खेत में, बट भाई रोको खुला नहीं छोड़ रहे बिकॉज भाई सामने से रोकी आने लग रहा जो ब्लैक कलर का पिटबुल का मेल है। पूरा एग्रेसिव है वो, उसने तो रेड किंग के ऊपर ही अटैक कर दिया था। और गाइस इसने तो हमारा चिंटू पकड़ लिया होता। चिंटू की तरफ कर रहा है एग्रेशन। चिंटू तुरंत रोक के पीछे जाकर छुप गया। बहुत तेज हो रहा है। अभी तो दोनों नॉर्मल खड़े, बट भाई पूरा एग्रेशन करे। और गाइस इसका एग्रेशन करते फिर भाई उस साइड से वो भी करंट में आ जाएगा। देखते हैं भाई शुरू में कौन करे गड़बड़। फिलहाल तो भाई दोनों आराम से मिल रहे, बट भाई दोनों के कमर के बाल बिल्कुल सीधे हो रहे। ओ भाई साहब। तो गाइस अभी रोकू लेकर आगे को आ गया, ज्यादा एग्रेशन नहीं करवाया, क्या पता भाई एग्रेशन के चक्कर में गुट गुट बज जा। और गाइस थोड़ी आगे जाकर रोकू खुला छोड़ देंगे जब आसपास कोई भी डॉग नहीं रहने का। वैसे तो भाई मुझे लग नहीं रहा कि आगे कोई डॉग हो, क्योंकि भाई आज हम लेट आए ना सारे के सारे जा लिए। रोकी का भी जाने का टाइम हो रहा था, जाते टाइम मिला उससे। अगर रोकी रेड किंग के साथ दोस्ती हो जाए ना फिर ना भाई दोनों का आगे कोई भी टिकने का, दोनों के दोनों मिलकर एग्रेशन करेंगे। बट भाई ओनली एग्रेशन एग्रेशन में, क्योंकि भाई फाइट वाइट नहीं करवाते कोई। और गाइस आज के लोग एंडिंग भी पे करता हूं। सब लोग भाई दुआ करना छोटे पप्पी के लिए वाला बच जावे। वैसे तो भाई इसकी उम्मीद थोड़ी सी कम सी लग रही, बट भाई फिर भी जब भाई मरता मरता जिंदा हो गया क्या पता आगे भी जाकर बच जा। बात तो सही है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और गाइस लास्ट में सब्सक्राइब और कर दे।